जय हिंद बच्चों, मैं सोनिया श्रीवास्तव आज पुनः उपस्थित हूँ एक नए दिन एक नए अध्याय के साथ। हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग एक में संकलित पाठ सात मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं बच्चों। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी, अर्थात महादेवी वर्मा छायावाद की स्तंभ मानी जाती थी। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र की बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों में, रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। जो पाठ दिया है मेरे बचपन के दिन, बच्चों जीवन परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। यह प्रश्न आपको जीवन परिचय याद करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो ये प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न एक, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ और कब हुआ? प्रश्न दूसरा, महादेवी वर्मा की शिक्षा कहाँ हुई? प्रश्न तीसरा, महादेवी वर्मा की कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न चौथा, महादेवी वर्मा प्राचार्य पद पर कहाँ कार्यरत रहीं? अगला प्रश्न, उन्होंने किसकी शिक्षा के लिए प्रयत्न किए? अगला प्रश्न, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अगला प्रश्न, वे किस युग की प्रमुख कवि मानी जाती हैं? अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का देहांत कब हुआ? प्रिय छात्रों, ये कुछ प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खोज कर लिखिएगा, जो जीवन परिचय का अध्ययन कराया गया है उसमें से। अब चलते हैं पाठ की ओर। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है, जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। बच्चों, जो बचपन होता है वह एक ऐसी अभिव्यक्ति है जैसे जिंदगी की धूप में ठंडी छांव। उस बचपन को हम कभी नहीं भूलते। उनकी यादों, उनके चलचित्र हमेशा हमारे मन में, हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। महादेवी वर्मा ने भी इस अध्याय में अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है। बचपन जीवन की एक ऐसी मीठी स्मृति होती है जिसे भुलाना नामुमकिन है, क्योंकि इस स्मृति का संबंध हमारे हृदय से होता है और हृदय में बसी या विराजमान स्मृतियाँ उस ठंडी छांव की भांति होती हैं, जैसे पूरे दिन थक हार के अपने घर लौटना। जैसे जीवन की कठिनाइयों में भी माँ की ममता की छांव प्राप्त होना। बचपन अधरों की मुस्कान है जो जीवन पर्यंत हमारी अंतिम सांसों तक उसी प्रकार बसी होती है जैसे हमारे हृदय की धड़कन। जो मित्रों के संग खेल, भाई बहनों से झगड़ा, फिर मनुहार, दादा दादी का लाड़, माँ पापा की मीठी सी फटकार,
वो मित्रों और परिवार का बेशुमार प्यार हम कभी नहीं भूलते। अतः कहा जाए बचपन हमारे जीवन का ऊर्जा स्रोत है तो गलत ना होगा, क्योंकि बचपन के दिनों की याद आते ही अधरों पर मधुर मुस्कान आना लाजमी है। ठीक ऐसे ही लेखिका ने भी अपने बचपन के बारे में हम बताया है। वे बताते हुए कहती हैं कि किस तरह वे अपने अध्ययनकालीन दिवसों में अर्थात विद्यालय में सुभद्रा कुमारी चौहान से मिलती हैं। वे लिखती थीं पर किसी को बताती नहीं थीं। एक प्रसंग में वे बताती हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके डेस्क की तलाशी ली तो उनमें कुछ कविताएं लिखी थीं। तब उन्होंने पूरे विद्यालय पूरे छात्रावास में बता दिया कि महादेवी लिखती हैं। तब से उन्होंने लिखना और अच्छे से शुरू कर दिया और तब उन दोनों में मित्रता भी हो गई, उन दोनों अर्थात महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान में। वे लेखन कार्य में अग्रसर होती चली गई। एक प्रसंग में वह बताती हैं कि वह लेखन प्रतियोगिता में भाग लेती हैं और प्रथम पुरस्कार उनको मिलता है। उस प्रथम पुरस्कार में उन्हें चांदी का कटोरा मिलता है। एक बार गांधी जी आते हैं और उन्हें वह बताती हैं कि मुझे चांदी का कटोरा पुरस्कार में मिला है, तो गांधी जी कहते हैं यह कटोरा तुम मुझे दे दो। वह उनको वह कटोरा दे देती हैं। इसी तरीके से आगे महादेवी वर्मा ने ऐसे कई प्रसंगों का कई अनछुए पलों का वर्णन किया है। महादेवी ने ऐसी ही अनेक स्मृति सुनहरे पलों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं आज का पाठ, मेरे बचपन के दिन, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। पाठ के प्रारंभ में महादेवी वर्मा कहती हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। सही बात है बच्चों, हम कुछ भी कहीं पर भी हो, अगर किसी भी उम्र में हो, बचपन की बात आते ही हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी अनछुए पल होते हैं। आगे बढ़ती हुई वो कहती हैं, कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, वे बताती हैं कि वह अपने परिवार में जब उनका जन्म हुआ, कई पीढ़ियों के बाद लड़की का जन्म हुआ। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई थी। सुना है पहले लड़कियों का पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, वे अपने साथ हिंदी लाई थी, वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, अर्थात हिंदी भाषा उन्होंने अपनी माँ से सीखी। आगे बढ़ते हुए वो कहती हैं, बाबा कहते हैं इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी अर्थात विद्वान, पुरुषों को विद्वान कहते हैं और महिलाओं को विदुषी कहते हैं, तो हम इसको विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मालवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छुपी। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने लगे। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती रहती थी। उस उपरांत मुझको मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, तब उन्होंने मुझको क्रास्ट वेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं पांचवें दर्जे में भर्ती हुई थी। आगे बढ़ते हुए वो कहती हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं, हम लोगों का एक ही मैस था, उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर कमरे में हम चार छात्राएं रहती थीं, उनमें पहली ही साथिन अर्थात मित्र सुभद्रा कुमारी मिली, जो कि एक लेखिका हैं। सातवें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थी,
वे कविता लिखती थीं और मैं बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी वन बोले यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अर्थात धीरे धीरे लेखन कला की ओर लेखिका बढ़ने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, अर्थात उनका नाम हो चुका था कविता लिखने में। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो महादेवी ने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में कागज़ ली और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे होटल में दिखा आई, ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मृत्युता हो गई। क्रास्ट वेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे, अर्थात दोनों मिलकर कविताएं लिखती थीं। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे जो कविताएं दोनों सुभद्रा कुमारी और महादेवी लिखती थीं। वो कौन सी पत्रिका में भेज देती थीं? स्त्री दर्पण में। आगे बढ़ते हुए लेखिका कहती हैं, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कभी सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया। आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। क्रास्ट वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम कविता सुनाते थे। कवि हरिओद जी उपाध्याय होते थे जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं। कवि श्रीधर पाठक होते थे, कवि रत्नाकर जी होते थे, कवि कोई होता था। अर्थात महादेवी वर्मा ने ये कवियों के नाम बताए हैं, कौन कौन से कवि, हरिओद, श्रीधर पाठक और रत्नाकर, उन्होंने बताए। और भी उधर पर कवि होते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना वह बताती हैं। क्या बताती हैं कि एक कविता में उनको एक कटोरा मिला जो बड़ा ही नक्काशीदार, सुंदर और आकर्षक था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मुझे मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है इसमें खीर बनाओ और मुझे इसमें खीर खिलाना। मैंने कहा, हाँ ठीक है मैं खीर खिलाऊंगी। तभी उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू अर्थात गांधी जी, महात्मा गांधी जिन्हें हम बापू कहते हैं, वो आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आए तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने अपना कटोरा निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, बापू यह कविता सुनाने में मुझको यह कटोरा मिला है। वह कहने लगे, अच्छा दिखाओ तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उन्हें हाथ में लेकर बोले, क्या तुम इस कटोरे को मुझे दोगी? पर उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी कविता सुनाओगी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है ले लीजिए, और उनको वह कटोरा देकर मैं चली आई। आगे बढ़ते हुए वह कहती हैं कि जैसे ही मैंने वह कटोरा दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान मिली और मैंने उनको बताया कि मैंने बापू को वह कटोरा दिखाया तो उनने मुझसे मांग लिया, मैंने उसे दे दिया। इस पर सुभद्रा जी बोलती हैं, और दिखाओ अब चला गया, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे खीर खिलाना, अब चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल के कटोरे में। उस समय जो बर्तन बनते थे वह पीतल या फूल, एक धातु होती है उसमें बनते थे। तो वह सुभद्रा कुमारी चौहान बोलती हैं कि मुझे खीर तो तुम्हें खिलानी ही होगी, अब तुम कैसे खिलाती हो वो तुम जानो।
आगे बढ़ते हुए कवित्री कहती है, पर मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि मुझे जो पुरस्कार मिला वह बापू को अच्छा लगा और मैंने वह कटोरा बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैन वंशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई। जेवन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेवन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेवन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोला। जेवन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेवन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थीं, बुंदेलखंड की लड़कियां थीं वे बुंदेली में बोलती थीं, कोई अंतर नहीं था। और हम पढ़ते थे हिंदी, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, किंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर लेखिका ने संदेश दिया है कि आपस में मिलजुल कर हमें रहना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मित्र मित्र ही होते हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, उनसे प्रेम भाव रखना चाहिए। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थीं, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थीं। कहती थीं, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। अर्थात वह भाई को कुछ भी खाने को नहीं देती थी। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है, राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, अर्थात कुछ कपड़े मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। वह जो कि मुसलमान थी तो हरे कपड़े, मुहर्रम जो एक मुस्लिमों का त्यौहार होता है, वह इतना ज़्यादा प्रेम करती थी लेखिका से कि जैसे कपड़े उनके त्यौहार में बनते थे वो वैसे ही बनाते थे, क्योंकि वह उन्हें अपनी पुत्री मानती थीं और अपने बेटे से राखी बनवाती थीं। आगे बढ़ते हुए लेखिका कहती हैं, फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेंग ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थीं। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यो अपने घर में वे अवधि बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति को देखकर लगता है जैसे वह सपना था, आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। अतः यहाँ लेखिका ने संदेश दिया है कि हमें मिल बांट के रहना चाहिए। जो आम लोग रहते हैं वह
जाति पाति का भेद नहीं करते हैं। हृदय में अगर प्रेम हो तो हमारे लिए धर्म भी कोई मायने नहीं रखता है। जैसे कि उनकी जो माँ साहिबा थी, जो उन्हें अपने बेटे को और महादेवी जी को बहन मानती थी, आपस में राखी का त्यौहार भी मनाते थे और मुहर्रम जैसे त्यौहार आपस में मिलकर मनाते थे। अतः अगर हम आपसी भेदभाव को बुला दें और अखंडता के सूत्र में बंध जाएं, तो हमारा देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया की तरह जगमगा उठेगा। इसलिए बच्चों, आपसी भेदभाव, जाति पाति भेदभाव की भावना को दूर रखो और अपने देश को एकता के सूत्र में बांधो, क्योंकि आप ही इस देश का भविष्य हो। बच्चों, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।